एक अच्छे वीडियो में ऑडियो और वीडियो दोनों की क्वालिटी का अच्छा होना बहुत ही जरूरी होता है। जरूरी नहीं कि एक अच्छा वीडियो बनाने के लिए आपको DSLR ही खरीदना पड़े, बल्कि आप अपने स्मार्टफोन से भी बहुत अच्छा वीडियो शूट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो आपके पास एक DSLR कैमरा होना बहुत ही जरूरी हो जाता है। कौन सा DSLR आपके लिए बढ़िया रहेगा ये डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है। अगर आपके पास 30,000 रुपए तक का बजट होता है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप कोई सेकेंड हैंड iPhone 7 या iPhone 7 Plus परचेज कर लीजिए, क्योंकि उसकी वीडियो और ऑडियो क्वालिटी बहुत ही बढ़िया होती है। लेकिन अगर आपके पास 40,000 से 50,000 रुपए का बजट है तो आपको निकॉन का D53 या D56 परचेज करना चाहिए। और अगर आपके पास 80-90 हजार रुपए का बजट है तो फिर आपको कैनन 80D लेना चाहिए, क्योंकि 1,00,000 रुपए के बजट में कैनन 80D से बढ़िया कोई और DSLR नहीं है। मेनली मैं कैनन 80D DSLR ही यूज करता हूँ। ज्यादातर लोगों का बजट 40,000 से 50,000 रुपए के बीच में होता है, इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको निकॉन D56 की अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा कि आपको इस DSLR को अपने YouTube पर वीडियोस बनाने के लिए क्यों परचेज करना चाहिए। ये है निकॉन का D56 DSLR जो कि मैंने कल ही निकॉन के शोरूम से परचेस किया है। इसके साथ मुझे 18-55 का लेंस भी मिला है। इस पर 55,950 रुपीस की MRP है, लेकिन ये शोरूम से मुझे 45,000 रुपीस में मिला है। अगर आपका एक YouTube चैनल है और आप उसके लिए वीडियोस बनाते हैं तो ये आपके लिए एक बेहतरीन बजट DSLR कैमरा है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो आपके वीडियोस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक फ्लिप स्क्रीन दी गई है, आप इसको फ्लिप करके जिधर चाहे उधर घुमा सकते हैं। जो ज्यादातर यूट्यूबर्स होते हैं वो अपने वीडियोस खुद ही शूट करते हैं, तो इसके लिए ये फ्लिप स्क्रीन काफी फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि वो इस तरह से इसको ट्राइपॉड पर माउंट करेंगे तो यहाँ पर वो वीडियोस को देख भी सकते हैं कि किस तरह की शूट हो रही है। यहाँ पर एक माउंट जैक भी दिया गया है, इसमें आप अपने माइक को या लाइट को माउंट कर सकते हैं। इसमें आपको अलग अलग तरह के मोड्स मिल जाते हैं, जैसे इसमें ऑटो मोड है, इसमें आपको कोई सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। इफेक्ट में आपको अलग अलग तरह के इफेक्ट्स मिल जाते हैं। इसके अलावा इसमें मैनुअल, अपर्चर मोड, सभी तरह के मोड्स इसमें दिए गए हैं। यहाँ पर इसमें कुछ जैक्स दिए गए हैं, इसमें माइक का जैक है जिसमें आप एक्सटर्नल माइक ऐड करके अपनी ऑडियो क्वालिटी को काफी इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ ही इसमें यहाँ पर एक USB जैक है जिसके थ्रू आप अपने कैमरे को अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वाईफाई और ब्लूटूथ भी मिलता है। वाईफाई और ब्लूटूथ की हेल्प से आप अपने कैमरे को अपने मोबाइल फोन से कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप रिमोटली अपने कैमरे से वीडियोस या फोटोज को शूट कर सकते हैं। इसमें आपको कोई बड़ा लेंस लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर आप 18-55 का लेंस ले लेते हैं जो कि आपको इसी कैमरे के साथ मिल जाता है, तो इससे भी आप बहुत बढ़िया वीडियो और फोटो शूट कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें आपको ऑटो फोकस मिल जाता है, जिससे आपको फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये ऑटोमेटिकली फोकस कर लेता है। इसमें आपको निकॉन की ओरिजिनल बैटरी मिलती है जिसका बैकअप बहुत ही अच्छा है। अगर आप एक बार इस बैटरी को फुल कर लेते हैं तो आप लगातार 2 घंटे तक इससे वीडियो शूट कर सकते हैं। बैटरी को चार्ज करने के लिए इसके साथ ही आपको निकॉन का ओरिजिनल चार्जर दिया जाता है, जिसमें एक इंडिकेशन लाइट होती है जो कि चार्ज और बैटरी फुल को बताती है। इसकी सेटिंग बहुत ही इजी है, अगर आप कोई भी एक ट्यूटोरियल वीडियो देख लेंगे तो आप इसकी इजीली सेटिंग कर सकते हैं। वैसे तो मैं भी इसके ऊपर एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाऊंगा, आप वो वीडियो देख करके भी इस कैमरे को चलाना सीख जाएंगे। यहाँ पर आपको एक बटन मिलता है फ्लैश लाइट का, अगर आप इसको एक बार प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको इसमें फ्लैश लाइट मिलती है, जिससे आप नाइट में भी इससे फोटो या वीडियो शूट कर सकते हैं। अब बात आती है इसको खरीदने की। इसको आप 2 तरह से खरीद सकते हैं, या तो आप ऑनलाइन अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह से खरीद सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या आप इसको ऑफलाइन मार्केट में जाकर के भी खरीद सकते हैं। अगर आप इसको ऑनलाइन परचेज करेंगे तो ये आपको 43,000 रुपीज में मिलेगा, लेकिन अगर आप इसको ऑफलाइन मार्केट में जाकर के शोरूम पर जाकर के खरीदेंगे तो ये आपको 45,000 रुपीज में मिलेगा। लेकिन अगर आप इसको शोरूम से खरीदते हैं तो उसमें आपको 2 फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये होगा कि इसके साथ आपको सैमसंग का ब्लूटूथ हेडसेट मिलेगा। ये एक ब्लूटूथ हेडसेट है जिसे आप अपने मोबाइल फोन से या कैमरे से कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने इसको अपने आईफोन से कनेक्ट किया तो इसमें मुझे बहुत ही बढ़िया साउंड मिले। दूसरा फायदा ये है कि इसके साथ आपको एक बैग मिल जाएगा। अगर आप इसको ऑनलाइन परचेज करेंगे तो ये आपको 43,000 में मिलेगा, लेकिन इसके साथ आपको बैग या ब्लूटूथ हेडसेट नहीं मिलेगा। सो कुल मिला करके ये आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन बजट कैमरा है। अगर आपके पास 40,000 से 50,000 रुपए का बजट है तो आपको यही निकॉन का D56 DSLR खरीदना चाहिए। सो गाइस, निकॉन D56 DSLR आपके लिए बहुत ही बढ़िया DSLR है। अगर आप YouTube पर ट्यूटोरियल वीडियोस बनाते हैं
रेसिपी वीडियोस बनाते हैं या प्रैंक बनाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया DSLR है। सो अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।